खंडवा लोकसभा के सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यह सीट रिक्त होने पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है। उसी के चलते बागली विधानसभा में भी राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। शनिवार के दिन बागली विधानसभा के चापड़ा में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर चुनाव का शंखनाद कर दिया गया है। इस अवसर पर बागली विधानसभा चुनाव प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, विधायक पारसी कन्नौजे, विधायक मनोज चौधरी, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, देवास विधायक गायत्री राजे पवार, मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इसी दौरान एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें मंच पर विराजित 25 अतिथियों द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता। किस तरह से जीत को मंत्र दिया है? मैं आज बागली के मुख्य कार्यालय चुनाव कार्यालय का यहाँ शुभारंभ हुआ है और आप जैसा कि देख रहे थे कि सारे ही मतदान केंद्र के प्रभारी, ये प्रभारी, हमारा संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार आज मंच पर मौजूद था। सब संकल्पित हैं प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके श्रद्धेय नंदू भैया को श्रद्धांजलि देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।